विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले धार्मिक नगरी उज्जैन में भाजपा ने अपने विधायकों के लिए पाठशाला का आयोजन किया। इस पाठशाला में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों को सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ाया। देखें ये खास रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र से पहले लगी भाजपा विधायकों की पाठशाला। धार्मिक नगरी में सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ेंगे विधायक। सीएम शिवराज और सांसद सिंधिया पढ़ा रहे विधायकों को पाठ। सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी हुई पाठशाला में शामिल। भाजपा विधायकों की इस पाठशाला का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सह प्रभारी पंकजा मुंडे और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले लग रही इस पाठशाला की खास बात यह है कि इसमें सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक पहली बार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें खुद सीएम शिवराज और सांसद सिंधिया सभी विधायकों को सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ा रहे हैं। दो दिन तक चलने वाली इस पाठशाला में प्रदेश भर से भाजपा विधायक, संगठन पदाधिकारी और मंत्रीगण हिस्सा लेने धार्मिक नगरी पहुंचे हैं। पाठशाला में विधायकों को सेवा और समर्पण का पाठ पढ़ाने पहुंचे सीएम शिवराज ने लालटेन का उदाहरण देते हुए पाठशाला के महत्व को समझाया। जो पूरे देश में विकास और जन कल्याण का प्रकाश फैला रही है और हमारे जैसे कार्यकर्ता है लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है, लेकिन कई बार कांच पर धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे, इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। पाठशाला में हिस्सा लेने पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पाठशाला के माध्यम से शासन की योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंचाने की बात कही। हम जिस विधा में हैं, उसका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। अगर ज्ञान की अपूर्णता लगती है तो प्रशिक्षण होना आवश्यक है। प्रशिक्षण है बदली हुई टेक्नोलॉजी में, बदले हुए तरीके में, बदली हुई परिस्थिति में और बदले हुए परिवेश में हमें प्रशिक्षण जरूरी है। टेक्नोलॉजी जब बदली है तो शासन की योजना जनता तक, संगठन की योजना अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है। टेक्नोलॉजी का सहारा है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, संस्कारित संगठन है, तो स्वाभाविक रूप से समरसता लेके हम समाज के बीच में कैसे जाएं और समाज को कैसे जोड़ें, इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है और इस पार्टी में ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, पहली बार नहीं हो रहा है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह की माने तो पाठशाला भाजपा में एक निरंतर प्रक्रिया है जहां सभी श्रेणी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है और सभी श्रेणी के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है, उसी के अंतर्गत विधायकों का प्रशिक्षण हो रहा है। दो दिवसीय प्रशिक्षण है और इसमें हमारे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो सब रहेंगे और काम करने की दिशा, कार्य पद्धति, ये सब प्रशिक्षण, आदर्श विधायक कैसे हो, ये सारा प्रशिक्षण मिलेगा। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी पाठशाला में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में अब एक नई सोच के साथ शिव ज्योति एक्सप्रेस चलने की बात कही। आपको मालूम है, मैंने 22 मार्च को, पिछली 22 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। उस दिन में मेरा बयान था कि
भारतीय जनता पार्टी अब मेरी माँ है। ये बेटा माँ के आंचल में आ गया है, माँ का आशीष मिल रहा है, माँ का दुलार मिल रहा है, माँ का प्रेम मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक एक व्यक्ति ने पन्ना प्रभारी से लेकर पोलिंग बूथ के अध्यक्ष से लेकर सात सेक्टर प्रभारी मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष हमारे मंत्री से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर एक एक व्यक्ति ने जो इतिहास आपको मालूम है मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत वो लड़ाई। एक तरफ मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज जी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी से थी, एक लड़ाई दिग्विजय सिंह और ज्योतिराज सिंधिया जी, एक लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की थी, एक लड़ाई हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री उनके संकल्प उनके मान और सम्मान की दूसरी तरफ राहुल गांधी की थी। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की विश्वास की सम्मान की, ये जीत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के सपनों के और संकल्प की जीत हुई है। अब मध्य प्रदेश के अंदर एक नया सोच नया चिंतन एक नई शताब्दी एक्सप्रेस शिव और ज्योति के रूप में चलेगी। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने पार्टी की मजबूती के लिए इस तरह की पाठशालाओं को बेहद जरूरी बताया। भारतीय जनता पार्टी का और सब विधायकों के माध्यम से जो ये प्रशिक्षण शिविर रखा जा रहा है, मेरा मानना है कि एक निखार लाने के लिए और एक क्षेत्र में किस प्रकार से रणनीति बनाई जाए जिससे आम जनता का भला हो सके, पार्टी मजबूत हो सके, इस बारे में यहाँ पर दो दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया और मेरा मानना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है जिससे और आगे अच्छा काम करें। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि विधायकों की इस पाठशाला का आने वाले निकाय चुनावों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन।